बॉलीवुड सेलिब्रिटी हॉलीवुड में अपना एक्टिंग डेब्यू करते हैं और साथ ही साथ सिर्फ भारत में नहीं बल्कि ग्लोबली अपना नाम कमाते हैं। इतना ही नहीं, अपनी एक्टिंग के दम पर पूरी दुनिया में इनका नाम और फैन फॉलोइंग भी बढ़ जाता है। इनमें से प्रियंका चोपड़ा, इरफान खान, दीपिका पादुकोण और ओमपुरी जैसे सितारे शामिल हैं। दीपिका ने इस साल हॉलीवुड फिल्म XXX रिटर्न ऑफ जेंडर केज से विन डीजल के ऑपोजिट अपना डेब्यू किया था। साथ ही प्रियंका चोपड़ा की बात करें तो वो अमेरिकन शो क्वांटिको से दुनिया भर में नाम कमा चुकी हैं और अब वो बेवॉच नाम की फिल्म से बकायदा अपना हॉलीवुड डेब्यू कर रही हैं। वहीं अब जब एक अखबार ने कैटरीना कैफ से उनके हॉलीवुड डेब्यू के बारे में पूछा तो कैटरीना ने साफ साफ तो नहीं लेकिन कहा, आपको पता नहीं है कि आपके रास्ते आपको कहां लेकर जाते हैं। मैं कभी अपनी लाइफ में किसी चीज को ना नहीं कहती। आपको पता नहीं होता जब तक कि मोमेंट ना आए। कैटरीना का ये कहना कहीं उनके हॉलीवुड डेब्यू की तरफ इशारा तो नहीं कर रहा। खैर, अब जो भी हो, इस खबर के लिए हमें ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार करना होगा। काम की बात करें तो कैटरीना जल्द ही रणबीर कपूर के साथ जग्गा जासूस में नजर आने वाली हैं। हालांकि इस फिल्म के रिलीज की तारीख को बार बार टाला जा रहा है। इसके अलावा वो सलमान खान के साथ टाइगर जिंदा है में नजर आएंगी, जो कि इस साल दिसंबर में रिलीज होगी।